अगर आपके पास भी सैमसंग मोबाइल है और सैमसंग मोबाइल आपसे इस प्रकार लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किए हो। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और सिखाऊँगा सैमसंग मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए। जब आपका फ़ोन इस प्रकार लॉक हो जाता है किसी भी कारणवश, आपको पता चल जाता है कि मेरी वाइफ पासवर्ड जान चुकी है, गर्लफ्रेंड पासवर्ड जान चुकी है, भाई पासवर्ड जान चुका है, पापा मम्मी कोई भी पासवर्ड जान जाता है एक भी बंदा, तो आप तुरंत अपने पासवर्ड को चेंज कर देते हो क्योंकि किसी को पता ना चले कि मेरा फ़ोन का पासवर्ड क्या है। उसी दौरान जब आप अपना पासवर्ड चेंज करते हो और आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है फ्रेंड, तो आप कितना परेशान हो जाते हो मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन आप इस केस में डायरेक्ट क्या करते हो, सर्विस सेंटर जाते हो, जो मुझे बहुत बेकार लगता है। सर्विस सेंटर वाले, जब आप सर्विस सेंटर के पास जाओगे या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के भी पास जाओगे, दोनों जगह सबसे पहले आपका फ़ोन लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा, समय लिया जाएगा। वो कभी नहीं दिखाएंगे कि वो आपके फ़ोन के साथ क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। इसी बात का मुझे हमेशा डर रहता है कि मेरा फ़ोन तो ले लिया, आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, मैं देखने भी नहीं आता हूँ ना आप लोग मुझे दिखाते हो। तो फ्रेंड, ऐसा यहाँ कोई बात नहीं होगा, यहाँ जो भी वर्क होगा आपके सामने होगा और आपके आँख के सामने होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूँ, सैमसंग मोबाइल का लॉक तो कहीं भी तोड़ सकते हो लेकिन डाटा कैसे सेव करोगे ये कहीं नहीं बताया जाएगा, कहीं नहीं। अच्छा अच्छा सर्विस सेंटर वाले ये नहीं बता सकते हैं कि डाटा सेव कैसे किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आज आपको वो मेथड बताऊँगा, वो कोड दूँगा जिस कोड से आप अपना डाटा भी सेव कर सकते हो और आप अपना सैमसंग मोबाइल का लॉक भी तोड़ सकते हो। चाहे आपके पास न्यू मॉडल एंड्रॉयड स्मार्टफोन है या ओल्ड मॉडल स्मार्टफोन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपना मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा सैमसंग का लॉक कैसे तोड़ा जाए। तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीपअप करोगे, नीचे इमरजेंसी कॉल दिख रहा है जहाँ पर आप वर्क कर सकते हो, वरना आप कहीं भी देख लो, चश्मा लगा के भी देख लोगे तो आपको इमरजेंसी कॉल के अलावा कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। तो आप सिंपली इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो ये न्यू डायलेट न्यू कीपैड आपके फ़ोन में खुलेगा। तो इस फ़ोन में जो न्यू डायलेट खुल रहा है तो यहाँ पर आपको वो कोड देना है जिस कोड से आपका डाटा सेफ होगा, वो कोड देना है जिस कोड से आपका डाटा सेफ होगा। तो ये कोड है फ्रेंड कुछ इस प्रकार, और इस कोड का नाम होता है सीक्रेट हिडन कोड। इस कोड में आपको दो प्रॉफिट आएगा, दो प्रॉफिट। सबसे पहले इस कोड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड। ये कोड है ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड। इसका कोड का वर्क यही होता है कि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल है उसको ब्रेकअप कर देना, दूसरा जो भी आपके फ़ोन में FRP कोड है उसको तोड़ देना, तीसरा आपका डाटा टोटल का टोटल डाटा सेव कर देना। ये एक कोड का कमाल है फ्रेंड। और ये सब कोड जो भी मैं दे रहा हूँ वो अक्टूबर मंथ का लेटेस्ट कोड है, और ये कोड वन टाइम कोड है फ्रेंड, अक्टूबर मंथ में ही काम करेगा। पहला बात। दूसरा कि अगर यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 89652 दिया है, आपने 896542 कर दिए हैं, 5 के जगह 4 कर दिए हैं, तो ये कोड तो गलत हो गया। तो आप जिस सैमसंग मोबाइल का लॉक तोड़ना चाहते हो और ये कोड गलत दे दिए तो अब मेरे वीडियो के माध्यम से अब आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपने कोड गलत डायल किया है। आपको कोड सही सही डायल करना है, वो भी एक ही बार में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कोड कोई मजाक वाला कोड नहीं है, इस कोड से किसी भी तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। और इस कोड को 7 टाइम कॉल करना है। तो आप अब ये सोचोगे कि मैं कॉल करूँ कैसे, मेरा फ़ोन तो अनलॉक नहीं है। तो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, कॉल पे क्लिक करोगे कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कर देना। ये हो गया 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। 7 टाइम कॉल किए, आपने भी किया, मैंने भी किया। बहुत सा बंदे का ये कोड एक कमेंट आता है कि सर आपने कोड को कॉल क्यों किया।
कोड को जब तक मैं कॉल नहीं करता तब तक ये कोड अपना वर्क कैसे करता है आप लोग बता सकते हो? जब तक ये कोड वर्क नहीं करेगा तब तक ये कोड अपना काम नहीं करेगा फ्रेंड, इसीलिए ये कोड को रनिंग करना ज़रूरी होता है। तो अब इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा, एक एक करके, डायरेक्ट नहीं। इस कोड को हटाने के बाद स्टार है 8965231798 5627 स्टार हैज, ये कोड जो मैं अभी अभी आपके स्क्रीन पे दूसरा कोड मैंने अप्लाई किया है, इस कोड का नाम होता है फ्रेंड मास्टर अनलॉकिंग कोड, जिसका वर्क होता है पासवर्ड, पैटर्न, पिन, फिंगरप्रिंट लॉक, स्क्रीन लॉक, टोटल का टोटल लॉक को अनलॉक करना। अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है और ये कोड डाल दिए किसी भी सैमसंग मोबाइल में जो लॉक है और वो कोड को जितना टाइम मैं बता रहा हूँ उतने टाइम कॉल कर दिए तो आपके पास कोई भी सैमसंग मोबाइल हो वो अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड। तो इस कोड को आपको 11 टाइम कॉल करना है, बोले तो 11 बार, ठीक उसी प्रकार जैसे 7 टाइम किए थे। तो यहाँ पे क्लिक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11 11 टाइम जब आप कॉल कर लिए तो इस कोड को डायरेक्ट हटाइए। डायरेक्ट हटाने के बाद स्टार हैज 8965231679 स्टार हैज, इसको वन टाइम कॉल कर लीजिए फ्रेंड, ओनली वन टाइम। उसके बाद इसको हटाइए और होम बटन पे क्लिक कीजिए, आपका भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस तरह से अनलॉक मिलेगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा। आप इसका डाटा एक बार देख लो कि इसका टोटल का टोटल डाटा सेफ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता है क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया और फ़ोन भी अनलॉक करना सिखाया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।